नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं। सोलन में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्योगिकी और वानिकी विश्वविद्यालय की तरफ से 12वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने की। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह को दीक्षांत समारोह में शामिल रहे। इस दीक्षांत समारोह के दौरान राज्यपाल और सीएम ने छात्र छात्राओं को 1311 डिग्रियां प्रदान की। वहीं हमारे संवाददाता से बात करते हुए राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने बताया कि छात्रों के लिए ये पल यादगार रहता है। उन्होंने सभी डिग्री धारियों से इसका सदुपयोग करने का आग्रह किया। साथ ही सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि सरकार सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। भावों के बावजूद भी प्रदेश सरकार अच्छा काम कर रही है। केंद्र सरकार किसी भी ऐसे स्पेशल राज्य के एक अभिभावक के रूप में होती है और उस अभिभावक का दायित्व भी वह निभा रही है। मैं महसूस करता हूं कि जिस प्रकार से केंद्र और राज्य दोनों युवाओं के लिए स्टार्टअप स्टार्ट किए हैं, वह युवाओं के हित के लिए है और युवा उसमें आगे बढ़कर के अपनी भागीदारी करें। बहुत साफ सी स्थिति यह है कि सरकारी नौकरियों की एक निश्चित सीमा होती है, उस सीमा को कोई भी पार नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में अपने शिक्षा का उपयोग, जो आज उपाधि हम लोगों ने बच्चों को दिया है, वह उपयोग स्टार्टअप के लिए करें, समाज और राष्ट्र के लिए करें। हमने सभी केंद्रीय नेताओं को किया है और अपने कार्यक्रम की पुष्टि की है। सर, कांग्रेस सरकार सर एक साल पूरे होने का जश्न मना रही है, लेकिन सर भाजपा इसका विरोध कर रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? विपक्षी पार्टी और उनका दायित्व विरोध करना है, हमारा काम सरकार का उल्लेख करना है। उनका भी दायित्व है, हमारा भी दायित्व है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार का 11 दिसंबर को एक साल पूरा होने जा रहा है, जिसे लेकर सोमवार को धर्मशाला में कांग्रेस पार्टी सरकार के एक साल के कार्यकाल के पूरे होने पर वर्षगांठ मनाएगी। इस पर साल में सरकार के क्या कुछ उपलब्धियां रखी, इस पर हमारे संवाददाता विशाल सूद ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से खास मुलाकात की। 11 दिसंबर में हिमाचल प्रदेश सरकार के एक साल पूरा होने जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं। किस तरह का ये कार्यकाल रहा, क्या उपलब्धियां रही? जी सर, क्या सर रहा ये एक साल का कार्यकाल? ये एक साल का कार्यकाल चुनौती भरा था। पहले आर्थिक स्थिति के मोर्चों पर चुनौती थी, फिर आपदा की चुनौती आई, फिर आपदा प्रभावित परिवारों को बसाने की चुनौती आई। मुझे खुशी है कि इन सब चीजों को हमने पूरा किया है और हमें संतुष्टि भी है कि एक साल के कार्यकाल में हम हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 20% का सुधार करने में सक्षम हुए हैं। इसको आप धर्मशाला में मनाने जा रहे हैं, कौन से बड़े चेहरे हैं उसमें? धर्मशाला की जो रैली है उसमें तो बड़े चेहरे सभी हमारे हिमाचल के नेता होंगे। और मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी हम कार्यक्रम है, ये इस कार्यक्रम में हम जनता के पास पहुंचकर अपनी आवाज को बताना चाहते हैं, अपने कार्यों को बताना चाहते हैं कि हमने ये कार्य किए हैं, और अपने कैडर को भी, हमारी कैडर को भी बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में आप जनता के बीच आइए और उन्हें बताइए कि हिमाचल प्रदेश में एक साल से जो सरकार आई है उसने ये कार्य किया है। सर, जो सरकार ने 10 गारंटियां दी है उसमें से कितनी पूरी हो पाई है? 3 गारंटियों को हमने पूरा कर दिया, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम की बात थी, पहले ही कैबिनेट में उसको हमने पूरा कर दिया है। और स्टार्टअप योजना 680 करोड़ रुपए की है। तीसरा राजीव गांधी ई टैक्सी योजना जो स्टार्टअप में शुरू की है वो है, और तीसरा इंग्लिश मीडियम स्कूल वाली है। शिमला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने झारखंड में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद धीरज साकू के ठिकानों से करोड़ों रुपए के नकदी बरामद होने के बाद कांग्रेस पर हमलावर हो गए हैं। बता दें कि राजीव बिंदल ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देकर उन्हें समाज में विशिष्ट पहचान देने का काम करती है, जो सही नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि झारखंड से कांग्रेस सांसद साहू परिवार कांग्रेस पार्टी से
40 सालों से जुड़ा है। आयकर के छापे में 200 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ है। उन्होंने कहा कि देश कैशलेस की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में ये पैसा कहां से आया, ये प्रश्न खड़ा हुआ है। ये जनता के साथ धोखा है। साथ ही राजीव बिंदल ने सरकार के एक साल के कार्यकाल पर दोबारा हमला बोलते हुए कहा कि जश्न तब होता है जब जनता के लिए कुछ किया जाता है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद मिस्टर धीरज साहू, जो कि बहुत बड़ा प्रभावशाली परिवार है, कांग्रेस पार्टी के साथ पिछले 40 वर्षों से जुड़ा हुआ परिवार है, ऐसे धीरज साहू की कंपनी के ऊपर आयकर विभाग का छापा डला। और ये छापा डला तो कोई करोड़, दो करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ का मामला नहीं, 200 करोड़ रुपया नगद अभी तक गिना जा चुका है, 200 करोड़ रुपया नगद गिना जा चुका है और मशीनों से गिनती जारी है। एक अनुमान के अनुसार ये नगदी 300 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। गांव में गोबर की खाद ढूंढ करके नहीं से बात। बिलासपुर के घुमारवें विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेश धर्मानी ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के एक साल के कार्यकाल में घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में विकास को रफ्तार मिली है। आगे उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के सफल एक साल पूरा होने पर कई उपलब्धियां हासिल की गई, वहीं कई नई योजनाएं भी शुरू की गई है जिसका फायदा आम जनता को मिलेगा। जहां प्रदेश सरकार का एक साल बेहतर रहा, वहीं हमने घुमारवीं चुनाव क्षेत्र में भी विकास को गति देने की कोशिश की है जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। साथ ही कहा कि प्रदेश सरकार का एक साल का कार्यकाल बेहतरीन रहा और आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के बावजूद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू के कुशल नेतृत्व में हमने कई नई योजनाएं शुरू की है जिसका आने वाले समय में फायदा होगा। कोशिश कर रहे हैं कि शहर के बीच में हमारे प्रदेश सरकार के बड़ी उपलब्धियां रही हैं, बड़ी 3 गारंटियां जो है पूरी की है, ओपीएस लागू किया है, जो स्टार्टअप योजना थी उसमें ई टैक्सी जो है उसमें 50% सब्सिडी देकर उसका शुरुआत करी है, और तीसरा हर विधानसभा क्षेत्र में 4-4 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की जो है वो थी, लेकिन उसको आगे बढ़ाकर हर स्कूल में इंग्लिश मीडियम जो है शुरू कर रहे हैं। और घुमारवीं में भी हमने कुछ बड़े इनिशिएटिव लिए हैं, इसमें घुमारवीं के साथ यहाँ भद्रोग में इंडस्ट्रियल एरिया बनाने के लिए जो है उसकी सारी औपचारिकताएँ पूरी हो गई हैं, शीघ्र ही प्लॉट बनाने का काम शुरू होगा। शिमला में पहली बार विंटर कार्निवल का आयोजन 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक किया जा रहा है। बता दें कि देश विदेशों से क्रिसमस और साल 2024 में आने वाले पर्यटकों के स्वागत के लिए नगर निगम शिमला इस कार्निवल का आयोजन कर रहा है। विंटर कार्निवल के लिए नगर निगम की तरफ से 3 स्थान चिन्हित किए गए हैं। इसमें शहर में आने वाले सैलानियों को गाना गाने तक की सुविधा होगी। वहीं नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने के लिए शिमला में आने वाले सैलानियों के स्वागत के लिए इस विंटर कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है। निगम की तरफ से पहला प्रयास होगा। अब हम इसमें कोशिश करेंगे कि ये विंटर कार्निवल सफल हो और ये लोकल जो हमारे कलाकार हैं हिमाचल के स्थानीय जो कलाकार हैं उनको हम उसमें तवज्जो देना चाहते हैं। और इस पर एक तो हमारा दौलत सिंह पार्क है, उसके साथ पीछे को हम एक जगह एक ओपन थिएटर है गेटी के पास, वो जगह है। तीसरा यहाँ जो SP ऑफिस है बाहर पे हमारा, इस पर भी जगह है ओपन कर सकते हैं। तो ये 2-3 जगह को हम कोशिश कर इसमें हमारी बैठक चल रही है किस तरह से करना है क्या करना है उसकी समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं हम अभी एडमिनिस्ट्रेटिवली। अब मैं बात कर रहा हूँ सबसे और हमारे सारे पार्षद इसमें इन्वॉल्व होंगे।
हिमाचल प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शहरी चरण अब से राजधानी शिमला से प्रारंभ हो गया है। बता दें कि अगले चार दिनों तक यह यात्रा शिमला के सभी वाइस के पास से गुजरेगी और केंद्र सरकार की 17 जनकल्याणकारी योजनाओं समेत प्रदेश सरकार की 2 योजनाओं के लिए लोगों को जागरूक करेगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिमला में आज हमने इसका शुभारंभ किया। यहाँ इंडियन एडवांस स्टडी के जो गेट पर इसमें ये 9 से 12 तक शिमला शहर में पूरे 34 वार्ड में ये यात्रा जाएगी। इस यात्रा के दौरान हमने जो भारत सरकार की और हिमाचल प्रदेश सरकार की जो स्कीम्स थी उनको जो सैचुरेशन पे आ गई थी उन पे लोगों को बेनिफिशरीज को और उनका लाभ मिल सके उनका प्रचार हो सके इस उद्देश्य से इस यात्रा का हमने शिमला में आज शुभारंभ किया। इसमें जो भारत सरकार की कई स्कीम्स है उस रिलेटेड हमने कैंप्स लगाए ताकि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लोगों तक पहुंच सके। बिलासपुर में खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया था जिसके दूसरे चरण में बास्केटबॉल और कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन बिलासपुर के रोड़ा सेक्टर में स्थित बास्केटबॉल ग्राउंड में किया गया। वहीं इस खेल महाकुंभ प्रतियोगिता के दूसरे चरण का शुभारंभ बिलासपुर सदर विधायक त्रिलोक जामवाल ने किया जिसमें हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सभी 17 विधानसभा क्षेत्रों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। सांसद खेल महाकुंभ का आज द्वितीय चरण इस संसदीय क्षेत्र का बिलासपुर सदर में यहाँ मेरे विधानसभा क्षेत्र में आज इसका शुभारंभ हुआ। पूरे संसदीय क्षेत्र से हमारे बच्चे यहाँ इस महाकुंभ में भाग ले रहे हैं। बच्चों में बहुत बड़ा उत्साह है। मैं इसके लिए केंद्रीय मंत्री सम्मान्य अनुराग ठाकुर जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि वो ये सांसद महाखेल कुंभ को अपने आप क्लोजली अपने संसदीय क्षेत्र के साथ साथ पूरे देश भर में वॉच कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज ये यहाँ पर इसका शुभारंभ हुआ। मैं दिल की गहराइयों से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।